Okay. Today we have some leaves. Fine. So here is the twig of the hibiscus plant. And you can see this is the leaf. Okay. This is the example of simple leaf. ये एक simple leaf का example है. और ये जो flat broad portion देख रहे हैं इसको बोलते हैं leaf blade या lamina. Fine. Leaf blade या lamina. ठीक. Flat portion. यहाँ पे देखिए एक center में बिल्कुल mid vein. ये जो एक vein जा रही है that is prominent vein दिखेगी. इसको बोलते हैं mid vein. ठीक. बाकी इसमें ब्रांच वेनलेट्स निकली होती हैं जो इसी से अटैच रहती हैं. फर्दर एक नीचे आएंगे तो एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है. स्टॉक दैट कनेक्ट द लीफ ब्लेड विद दैट ऑफ द एक्सेस ऑफ द ब्रांच. ब्रांच की एक्सेस से लीफ ब्लेड का जो स्टॉक अटैच करती है इसको बोलते हैं पेटियोल. ठीक. और एक सबसे बेस पे अगर आप आएंगे तो देखेंगे दो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं. इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टिप्यूल. फाइन. बहुत अच्छे एकदम क्लियर प्रोमिनेंट दिख रहा है. ये दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इनको स्टिप्यूल कहते हैं. तो ये जो आपने देखा ये एग्जांपल किसका है सिंपल लीफ का. ओके. नाउ दिस इज द कंपाउंड लीफ. दिस इज द ट्विग ऑफ करी लीफ. ठीक. ये जो होता है ना ये पूरा एक पोर्शन इसको हम बोलते हैं लीफ. ये पूरा एक लीफ है और इसकी जो मार्जिन होती है दैट इज इनसाइज्ड टुवर्ड्स द इनर साइड. ये अंदर की तरफ इनसाइज्ड है और जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं इनको बोलते हैं लीफलेट्स. दीज ऑल आर लीफलेट्स. ये एक सिंगल लीफ नहीं है ये लीफलेट है. ठीक है. और ये पूरे इसको हम लीफ बोलते हैं. ठीक है. और जो अंदर की ये मिड जो एक ये ट्विक जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रैकिस. तो लीफलेट्स आर अरेंज ऑन द आइदर साइड ऑफ द रैकिस. रैकिस के दोनों तरफ लीफलेट्स अरेंज होती है. किसका एग्जाम्पल है ये कंपाउंड लीफ का. ठीक. ओके. नाउ यू कैन सी दिस इज द ट्विग ऑफ रोज प्लांट. ये आपको जो दिख रहा है विंग जैसा स्ट्रक्चर दो स्टिप्यूल जुड़ गए हैं और इसको बोलते हैं एडनेट स्टिप्यूल. ओके. दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडनेट स्टिप्यूल. इससे पहले जो आपने हिबिस्कस में देखा था ये फ्री स्टिप्यूल है. ये इसमें जो बने हुए हैं ये दीज आर द ये फ्री स्टिप्यूल्स है. ओके. ये फ्री स्टिप्यूल का एग्जाम्पल है. और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ये क्या है एडनेट स्टिप्यूल. ये सिट्रस प्लांट की लीफ है. ओके. इसमें ये आपको नीचे विंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो विंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है. ये पेटियोल है. ओके. इसको बोलते हैं विंग्ड पेटियोल. नाउ हम बात करेंगे फिलोटैक्सी की. फिलोटैक्सी बेसिकली क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द ट्विग. ट्विग पे लीफ का अरेंजमेंट कैसा उसको फिलोटैक्सी कहते हैं. अब यहाँ आप देखेंगे कि ये ट्विग है और एक नोड से लेफ्ट हैंड साइड लीफ निकली हुई है दूसरे नोड से राइट हैंड साइड लीफ निकली हुई है देन अगेन लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड. तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी. ओके. दिस इज द ट्विग ऑफ गुआवा एंड यू कैन सी फ्रॉम ईच नोड देर आर पेयर ऑफ लीव्स अराइजिंग ऑन बोथ द साइड. एक पॉइंट से इधर भी एक लीफ निकली हुई है इधर भी निकली हुई है. इसको बोलेंगे अपोजिट फिलोटैक्सी. ये तुलसी है. इसमें आप देखेंगे ऊपर से देखने में वर्ल जैसा दिखेगा यानी कि एक वर्ल बना हुआ है. लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे साइड से तो एक पॉइंट से ये दो लीफ ऐसे निकली हुई है अपोजिट जैसी और ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो फिर दूसरे पॉइंट से दूसरी तरफ निकली हुई है. ऊपर से देखने पे वर्ल है. इसको बोलते हैं अपोजिट डिकसेट. नाउ दिस इट इज द ये जामुन का है ट्विंग. ओके. इसमें अगर आप देखेंगे तो वर्ल फिलोटैक्सी है. एक ही नोड से एक ही पॉइंट से दो से ज्यादा लीफ निकली हुई है एक ही पॉइंट से चारों तरफ तो एक वर्ल बना रहा है. तो एक वर्ल ये हुआ. ऊपर दूसरे नोड पर आएंगे तो देखिए ये चार लीफ निकली हुई है एक ही नोड से. ओके. तो ये दूसरा वर्ल हो गया. ये तीसरा वर्ल जो बहुत छोटी छोटी लीव्स हैं बेबी लीव्स जैसी बिल्कुल ये रही. देखें ये चार इस पॉइंट से निकली हुई है. तो ये ऊपर से देखने पे कैसा बना रहा वर्ल जैसा स्ट्रक्चर बनाना. ओके. तो ये है वर्ल्ड फिलोटैक्सी. सो टुडे वी हैव प्लेड विद द लीव्स. ओके. थैंक यू.